नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस किचन में, आकांक्षा की किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्जी, और बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल में बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा इजी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आसान सी रेसिपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि आज मैंने बनाई है मसाला मैगी, और इंडियन स्टाइल में मसाला मैगी बनाई है, और मिक्स वेजिटेबल्स मतलब बहुत सारी सब्जियों के साथ। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बच्चों को बहुत पसंद आती है मैगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हमेशा की तरह एक कढ़ाई लेंगे या फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे गार्लिक चॉप किया हुआ। 6 से 7 कली हम अच्छे से चॉप कर लेंगे गार्लिक को, और उसको हम ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे, सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइनली चॉप देख रहे हैं आप, और इसको हम ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। तो जब प्याज हमारा अच्छे से सॉटे हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन निकालने के लिए, रॉनेस निकालने के लिए हम इसको भी 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद जो हमने मिक्स वेजिटेबल्स कच्ची सब्जी हरी सब्जियां काटी थी वो ऐड करेंगे। मैंने आधी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स, फ्रेंच बीन्स, और आधा गाजर मैंने चॉप किया, उसको मैंने ऐड कर लिया। अब इनको हमें हाई फ्लेम पे पकाना, जैसे हम नूडल्स के लिए पकाते हैं उस तरीके से हमें इन्हें फ्राई करना है, सॉटे करना है। मतलब ऐसे धीमी आँच में नहीं पकाना जो ये पानी छोड़ दें, सॉफ्ट हो जाए, क्रंचीनेस रखना है, मतलब क्रंची क्रंची लगे खाने में। तो सब्जियों को हमें ऐसे ही पकाना है, और जब सब्जियाँ पक जाएँ अच्छे से, जैसी हमें चाहिए क्रंचीनेस वाली, और सॉफ्ट नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें हम सूखी पीसे मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल तीखी मिर्च तीखी वाली, उसके बाद 1/2 चम्मच हम कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, और इसके अलावा मसाले में सिर्फ हम टेस्ट मेकर ऐड करेंगे, बाकी कुछ नहीं ऐड करेंगे। चलिए इनको भी अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं, और इसके बाद क्योंकि मसाले सूखे हैं तो ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगेगा हमें, और फिर इसके बाद मैगी ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर लिया, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया, और टमाटर को मैंने ऐड कर लिया। तो क्या जो मसाले हमने ड्राई वाले ऐड किए थे ना, उनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाएगा और अच्छे से उनका भी कच्चापन निकल जाएगा। तो यहाँ पे टमाटर को भी अच्छे से भूनना है हमें। तो इसमें क्या है, जो बच्चे सब्जियां अलग से नहीं खाते ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैगी सभी बच्चों को लगभग बहुत पसंद आती है, तो इस तरीके से वो सब्जियां भी खा लेते हैं, और हेल्दी है बिल्कुल, तेल भी बहुत कम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैगी का आटा नूडल्स लिया है, उसके मैंने 1 स्टैंड बुरा, मतलब एक जो रहता है सेट, वो मैंने पूरा लिया है, उसको इस तरीके से तोड़ के हम इसमें सेट कर देंगे, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेस्ट मेकर जो मैगी के साथ आता है, और इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स सब्जियों के साथ। और पानी भी मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास पानी ऐड किया, ज़्यादा पानी मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि हमें होटल स्टाइल में बनानी है मैगी मसाला, तो बिल्कुल खिली खिली सी, अलग अलग जो इसका स्ट्रेंथ रहता है ना मैगी का नूडल्स, उस तरीके से तो वैसे ही बनानी है हमें। और ढक देते हैं, कवर कर दें, कवर होने से क्या स्टीम अच्छी होकर कम पानी में मैगी अच्छी तरीके से पक जाएगी। और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे मैगी को, देखिए जो नूडल्स हैं वो अच्छे से, मैगी की जो नूडल्स हैं अच्छे से फूल गए हैं पानी पाके। अब इसको हम ऐसे चला लेंगे, मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ और अच्छे से, ताकि जो अगर थोड़ा बहुत रह गई ये मैगी वो भी पक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें होटल स्टाइल अगर टच देना है तो मैगी को हम 90-95% तक हमें पकाना है, कम्प्लीटली इसको 100% नहीं कुक करना है, और फिर इसको स्टीम कर देना है, मतलब ढक के रख देना है, तो अपने आप वो सॉफ्ट हो जाएगी अंदर तक। तो मैंने वही किया है, वापस से मैंने इसको ढक के रख दिया और फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया 1 मिनट के लिए, और आप देख रहे स्टीम्ड होके अब जो है ना मैगी कम्प्लीटली पक गई है अच्छे से।
तो ये टिप्स बहुत काम की कि अगर मतलब मैगी को आपको बिल्कुल खिली खिली बनानी है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, पानी की मात्रा हमें बहुत कम रखनी होगी उसमें, और स्टीम करके हमें पकानी, मतलब ढक के ही पकाना है, खुला पकाएंगे तो पानी जो होगा ना वो निकल जाता है ना स्टीम बन के, तो पक नहीं पाएगी। तो चलिए सब करते हैं मैगी, तो देख रहे हैं देखने में जितनी टेम्पटिंग और अच्छी लग रही है उतनी खाने में टेस्टी आएगी। तो आप आई हो, आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।